गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने उर्दू व्यूवर्स के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आप देख सकेंगे सीजन से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़। जी हाँ, ये एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें आप सॉफ्ट बोर्ड के आइडियाज़ भी हासिल कर सकेंगी, वॉल डेकोरेशन के आइडियाज़ भी आपको इससे मिलेंगे, और अगर आप चाहें तो इन वॉल डेकोरेशंस के आइडियाज़ को आप एज ए प्रोजेक्ट भी करा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो मेरे उर्दू बोलने वाले नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमें हर चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उर्दू से रिलेटेड बहुत कम मटेरियल गूगल पर मौजूद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरे उर्दू व्यूवर्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आप अगर देखें तो ज़्यादातर इसमें मैंने बोर्ड डेकोरेशन आइडियाज़ शेयर किए हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो क्लासरूम वॉल के लिए भी इन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो बच्चों को एज ए प्रोजेक्ट वर्क भी ये काम करा सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क कराने के दो तरीके हैं, आइदर आप उनको घर के लिए दे दें प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और या फिर आप क्लास का कोई टाइम ऐसा निकालेंगे जिसमें आप सब मिलकर क्लासरूम में ही बैठकर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। इस तरह ना सिर्फ बच्चों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा बल्कि आपकी क्लास का डेकोर भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इन्हीं सीजन्स की मदद से आप अपने सॉफ्ट बोर्ड को भी डेकोरेट कर सकती हैं, और अगर आप अपनी वॉल्स को डेकोरेट करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। प्रोजेक्ट वर्क के अलावा क्लासरूम एक्टिविटीज़ के डिफरेंट आइडियाज़ भी इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। अगर आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनको बिज़ी रखना चाहती हैं, और उसके साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी को उजागर करना चाहती हैं, तो आप ये प्रोजेक्ट्स अपने बच्चों के साथ क्लास वर्क एक्टिविटीज़ में बनाएं, और इसके अलावा उनको वर्कशीट्स की शक्ल में भी ये प्रोजेक्ट्स आप करवा सकती हैं। इसके अलावा यू कैन गिव देम अ टास्क फॉर होम जिसमें वो डिफरेंट मटीरियल को यूज़ कर डिफरेंट सीजन्स और वेदर क्रिएट कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि उर्दू पढ़ने और पढ़ाने वाले व्यूवर्स के लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी और वो इससे डिफरेंट आइडियाज़ हासिल कर सकेंगे। आने वाले दिनों में मैं उर्दू के कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगी, जिस तरह से डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर, ताकि उर्दू टीचर्स को ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आसानी से डाउनलोड कर उनकी प्रिंट भी ले सके। जी हाँ दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी अपनी PDF के लिंक शेयर कर दूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट कराने में आसानी हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों में भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकूं। शुक्रिया।